हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक क्या है और बैंकिंग हिस्ट्री क्या है। बैंकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। आखिर ये बैंक है क्या? दोस्तों, इजी शब्दों में बात करें तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैंक में अपना खाता खोलकर पैसे को रख सकता है। बैंक उस पैसे का ब्याज भी देती है और जरूरत पड़ने पर बैंक से सुरक्षित पैसे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंक जरूरतमंद लोगों को लोन भी प्रोवाइड कराता है। किसी भी बैंक में पैसों का लेन देन के लिए उस बैंक में एक अकाउंट की जरूरत होती है। कस्टमर्स बैंक अकाउंट से ही बैंक में पैसे की लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है जिसमें बैंक लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिसे हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक की हिस्ट्री के बारे में। भारत में बैंकिंग हिस्ट्री 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले का ही है। दोस्तों, भारत में पहला बैंक 1720 में खोला गया था, जिसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे था, लेकिन यह बैंक 1770 में बंद हो गया था। 1770 में ही भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का एक और बैंक खोला गया था, लेकिन 1832 में यह बैंक भी बंद हो गया। इसके बाद 1806 में भारत में बैंक ऑफ कलकत्ता की शुरुआत हुई, जो कि आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गया था। SBI बैंक की शुरुआत 1 जुलाई 1955 में हुई थी। आज SBI भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। सभी बैंक की पूरे इंडिया में 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेज हैं। SBI की 36 अलग अलग देशों में 190 इंटरनेशनल ब्रांचेज भी हैं। इंडिया में बैंक की शुरुआत कब और कैसे हुई, अब ये जानते हैं। भारत में बैंक की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुई थी। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना की थी। पहला बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास एक्सेट्रा। इन बैंकों को प्रेसिडेंशियल बैंक भी कहा जाता था। इन तीनों बैंकों को बाद में 1921 में एक एकल बैंक में मिला दिया गया था, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बैंक के कितने टाइप्स हैं? बैंक अलग अलग के टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स जिसे हम RRB भी कहते हैं, लोकल एरिया बैंक्स जिसे हम LAB भी कहते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक। अब हम धीरे धीरे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जानते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस देश के सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ये बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पर प्रॉफिट के लिए ही लोन प्रोवाइड कराता है। RRBs, जिसे हम रीजनल रूरल बैंक भी कहते हैं, भारत के सरकारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं जो भारत के अलग अलग स्टेट्स में रीजनल लेवल पर ही काम करते हैं। लोकल एरिया बैंक्स। यह बैंक सिर्फ और सिर्फ लोकल इंस्टीट्यूशंस को रूरल सेविंग्स को पूल करने और जुटाने में कैपेबल बनाता है। स्पेशलाइज्ड बैंक्स। कुछ बैंकों को सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे बैंकों को हम स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस टाइप के बैंक्स माइक्रो इंडस्ट्रीज, छोटे किसानों और समाज के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट बैंक्स। यह बैंक्स बैंकिंग का एक नया रूप है और पेमेंट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजॉल्व किया गया है। पेमेंट बैंक्स जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस बैंक में शामिल होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है तो उसे मेन 4 टाइप के बैंक अकाउंट खुलवाने के ऑप्शंस होते हैं। हर बैंक अकाउंट के अपने नियम और शर्तें होती हैं। उन 4 बैंकों का नाम है, पहला करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट, तीसरा फिक्स डिपॉजिट और चौथा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बैंकिंग सिस्टम मॉडर्न इकोनॉमी वर्ल्ड में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बैंक लोगों को सेविंग्स को कलेक्ट करता है और बैंक उसी के थ्रू लोन्स भी प्रोवाइड करता है। अब हम जानते हैं कि बैंक आखिरकार काम क्या करता है। बैंक का इंट्रोडक्शन उसके कार्यों से पता चल जाता है। इकोनॉमी के विकास के साथ साथ बैंक के कार्यों तथा सर्विसेज में भी चेंजेस हुए हैं। बैंक के काम को अब अलग अलग वेज में भी देखे जा सकते हैं। एक और बैंक स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करने का भी काम करते हैं, तो दूसरी ओर क्रेडिट क्रिएशन से मनी क्रिएशन का भी काम करता है। इसलिए हमारी लाइफ में बैंक बहुत यूजफुल है, क्योंकि पैसों के मामले में लगभग सभी काम बैंकों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। बैंक हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक ही हमारे बिजनेस के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है और साथ ही बैंक ही देश विदेश में पैसों का लेन देन को भी मैनेज करता है। इसलिए
बैंकिंग किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि बैंक क्या है और बैंक की शुरुआत भारत में कब हुई और इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस और भी देखनी है तो हमें जल्दी से कमेंट करें। आई होप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।